हे गाइस दिस साइड आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली बैंगलोर आ चुका हूँ। खुशी बहुत है क्योंकि आज एक इवेंट है जिस इवेंट के लिए मैं मेनली आया हूँ। अभी ऑल दो आप ये वीडियो बाद में देख रहे होगे, लेकिन स्टिल मैं नहीं चाहता कि अपन इवेंट को थोड़ा सा भी डिस्कस करें। अनअकैडमी 1 का इवेंट है, बट बड़ा मज़ा आने वाला है। मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ, खुश हूँ, बिकॉज क्या होता है, देखो एक बात समझो, जिंदगी में क्या करना है, खाना है, पीना है, घूमना और मजे मारना है, वही कर रहे हैं। तो बैंगलोर आया हूँ मैं, सेकेंड टाइम आया हूँ। वैसे ये मोटिवेशन कहाँ से, मैं आपको बताता हूँ, ये अभी जहाँ से मैं आया, अभी ऑब्वियसली एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ हूँ मैं, और वहाँ पे आज शाम को इवेंट है। होटल का नाम क्या है, बहुत अच्छा दिख रहा है होटल, मेरी फेवरेट चेन है, मुझे पसंद है बहुत ज़्यादा। तो उसी होटल में आज का हमारा इवेंट होने वाला है। सो एक्साइटमेंट तो पूरी बनी हुई है, अभी बस गाड़ी आएगी, मतलब कार आएगी, देन विल गो टू होटल। अभी कोई प्लान नहीं क्योंकि सुबह की 9:30 बजे है, ऑल्दो एक घंटा लेट हो गया है, हमारी फ्लाइट डिले चल रही थी, तो बट कोई प्लान नहीं है। अभी थोड़ा चिल करने का माहौल है और आज मेरी भी इच्छा है, थोड़ा रिलैक्स करो, स्विमिंग पूल जाओ, जिम विम करो, मतलब क्या करना है ज़िंदगी में। और 5th September है तो सोच रहा हूँ टीचर्स डे के थोड़े मज़े ले लेते, तो लेट्स सी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी मिलता हूँ होटल में। सो गाइस, रीच टू होटल, होटल तो पहुँच गए हैं। अब बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है क्या करें, नीचे पूल है जो बुला रहा है, आज मन भी थोड़ा एकदम चिल करने का ही हो रहा है। सो रूम अच्छा है बिकॉज ये रहा पूल, बाहर निकलो, कूद नहीं सकते क्योंकि वो है, बट हाँ अभी कन्फ्यूजन ये है कि क्या करें पूरे दिन, मतलब अभी तो कुछ कर नहीं सकते। पॉइंट ये है कि फिलहाल खाना भी नहीं है, खाना है 12:30 बजे के आसपास, लंच होगा 3:30 से 3:30 तक के आसपास, और तब तक क्या करें क्या नहीं करें, आराम करने की इच्छा भी हो रही है लेकिन क्या ही करें। एक रूम टूर दे देता हूँ आप लोगों को छोटा सा, बिकॉज बाद में तो ऐसा हो जाएगा रूम की मैं खुद भी नहीं देखूंगा। सो यहाँ से वी एंटर्ड, दिस इज आवर वॉशरूम एंड एवरीथिंग। हाय, कोई भी नहीं है। चलो, ये टीवी लगी हुई है डबल, पता नहीं क्यों है ये मस्त। अब देखें व्यू क्या है, अरे ओके जंगल। हाँ, बाकी एक बात फील हुई मुझे, एक चीज़ मुझे फील हुई वो ये थी कि भैया बहुत ग्रीनरी एरिया, मतलब जो एरिया है दैट इज टू ग्रीन, मतलब मैंने इमेजिन नहीं किया था कि बेंगलोर में इतना ग्रीन होगा। यहाँ पे भी जैसे अपना चेन्नई में पूरा बटन सिस्टम था, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ये वाला है, मतलब वहाँ टैबलेट सिस्टम था, यहाँ ऐसा बटन वाला सिस्टम है। यार एक तो इतनी जगह जाओ फिर हर जगह का फंक्शन समझो, ऑल दो कभी कभी मन में लालच आ जाती है, ऐसी जगह जाओ ना, घूमो फिरो, खाओ पियो ना, तो फिर मन में लालच आ जाती है कि यार एक काम करते हैं अपन, अपना रूम भी ऐसा ही बनाते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं होता है यार, कहाँ से करे गरीब आदमी इतनी मेहनत। अरे बाप रे, चलो ऐसे मज़े ले रहे थे, अभी देखते हैं क्या करना है यार, डोंट नो, मन कर रहा है पूल वूल में जाने का, देखता हूँ और क्या क्या है होटल के अंदर, कुछ भी करूँ यार मेरा रूम में बैठने का मन नहीं करता है, पता नहीं क्यों। तो आई एम ऑन साइकिल, अभी निकला हूँ मैं, आप देख सकते हो, मतलब अभी मैं रिजॉर्ट के अंदर ही हूँ, बहुत बड़ा है और ग्रीनरी, मतलब मुझे जो, मतलब जो मन अटका ना वो ग्रीनरी पे अटका। बस दुआ कर रहा हूँ गिरने जाऊँ। ऐसा नहीं कि साइकिल चलाने नहीं आती है, साइकिल तो चलाने आती है पर बहुत टाइम बाद चला। वैसे 4 बजे तक हम होटल में ही हैं, 4 बजे जो है वो हमारी, ओहो छोड़ा भाई छोड़ा था, चलो 4 बजे जो है हमारी बस आएगी, अब मैं उसके लिए भी एक्साइटेड हूँ, मतलब ये सब चीज़ें जो है ना, एक्साइटमेंट पता, मैं छोटी छोटी चीज़ों पर एक्साइटेड क्यों हो जाता हूँ, क्योंकि उससे ना अच्छा लगता है, मतलब सोचो ना, अरे गम में रहेंगे तो क्या मज़ा आएगा, हर चीज़ के लिए एक्साइटेड रहो, बिकॉज एक्साइटमेंट जो है ना वो एक छोटे बच्चे की तरह होनी चाहिए, उससे क्या होता है चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलता है, एक खुशी में आप रहते हो। मुझे ऐसा लगता है कि एक्साइटमेंट हर चीज़ के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए रखा करो, मतलब भले छोटा कितना भी छोटा हो पर फिर भी रखा करो, उससे क्या होता है आपको मज़ा आता है ज़िंदगी जीने में। बाकी कुछ नहीं, अब सोच रहे पूल में जाने का या कुछ और करने का, देखते हैं। बाकी चाहे जो हो, किंगशुक रिजॉर्ट इज़ द बेस्ट, आओ कभी हवेली पे, ठीक है। चेंज इन प्लान गाइस, चेंज इन प्लान, हम अभी निकल रहे हैं, मैं बताता हूँ बाकी, रुको। सो प्लान में चेंज ये है कि हम लोग अभी निकल रहे हैं, और मतलब सब लोग नहीं निकल रहे, अभी 2:30 बजे है, मैं और राहुल सर अभी निकल रहे हैं, बिकॉज और मैं भी खुश हूँ इस बात से, यहाँ पे बैठ के क्या ही करना है, इट्स बेटर टू गो एंड यू नो लाइक थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे वहाँ पे इवेंट वाली जगह पे, मुझे थोड़े BTS ज़्यादा मिलेंगे और थोड़ा मुझे भी इनपुट मिलेगा कि इतना बड़ा इवेंट कैसे होता है क्या होता है, मैं आपको दिखा पाऊंगा वो सारी चीज़ें जो अनअकैडमी के लाइफ में नहीं दिखेगी। सो इवन आई एम हैप्पी, अभी 2:30 बजे है, प्रॉब्ली 3 बजे तक हम लोग हमारे वेन्यू पे पहुंच जाएंगे, वैसे वेन्यू ताज है यार, अब तो पता पड़ गया होगा, बट दिखा दो, ठीक है। सो दैट इज़ द थिंग, बाकी लेट्स सी, आपको दिखाता हूँ कुछ इनपुट्स जो अभी तक आपने नहीं देखे होंगे।
सो गाइज, मैं सोचा आप लोगों को बता दूं, हमारा जो चैनल है वो आ रहा है ब्रेकआउट इकोनॉमिक्स, जिसके लिए हम लोग आए हैं। तो भैया डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस, मैं आपको लिंक दे दूंगा, जिसके अंदर हम लोग इकोनॉमिक्स को, पर्सनल फाइनेंसिंग को, पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है, वो सब बताने वाले। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसे कर लेना, बाकी आगे का व्लॉग देखो। सो फाइनली रीच देयर, ताज इज द वेन्यू, ताज में होने वाला ये इवेंट। अभी आप देख सकते हो बहुत सारे लोग हैं, अभी सभी लोग अनअकैडमी के ही, ऑब्वियसली बात है। अभी यहाँ पे कोई लाइट मस्त बनी हुई थी, हाँ इधर इवेंट होने वाला है एंड हियर इज द लाइट, पर आप देख सकते हो अनअकैडमी बन हो रहा है, सो क्वाइट गुड। इधर भी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है यार, हम लोग बहुत जल्दी आ गए, इनसाइट्स ले रहे हैं हम लोग, थोड़े मज़े ले रहे हैं, लेट्स लर्निंग काइंड ऑफ कह सकते हैं। बहुत सारे क्रिएटर्स ही मिल रहे हैं, इतने सारे क्रिएटर एक जगह पर देखने की आदत नहीं है। सो हियर वी आर एंट्रिंग, यहाँ से शुरू हो रहा है इवेंट। ओके, यहाँ भी अनअकैडमी वन लग रहा है, ये ऐसे रफ एरिया ऐसा, चलो। ओ हो 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 हो, इट शुड बी इवन ट्राई टू अनाउंस दैट ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स मोर देन 30,000 एजुकेटर्स हैव टॉट ऑन द अकेडमी प्लेटफॉर्म। यो मैन, यस सर, फोन दो मिनट। ऐसे नहीं सर, चीटिंग नहीं, ऐसे दूसरी टीम को आप सपोर्ट नहीं कर पाएगा सर? अरे सर बोले ऑन कैमरा नहीं बोलना था ये बात। चलो, ये अंशुल सर है यहाँ पे, सर वो मेरे को फोन में ही अभी तक। हेलो दोस्तों, मैं हूँ जतिन डिमला फ्रॉम इंस्टीट्यूट इंदौर। अच्छा, आपको मालूम है क्या, मुझे लगा था नहीं। राहुल सर, मैंने सर ध्यान ही रखते होंगे छोटे लोगों पे। हेलो दोस्तों, दिस इज जतिन डिमला फ्रॉम इंस्टीट्यूट इंदौर। मैंने आज का भी ब्लॉग ऐसे ही शुरू किया। तो मैं थोड़ी पॉपुलर की एक्टिंग कर दूं, तगड़ू वगलू करके सर, पहले बात करना पड़ेगा। दोस्तों कैसे हो सब, शुभ मंगल, सब बढ़िया एकदम, ये है बॉडी सर। ये यहाँ पे शूटिंग चल रही है। यस, अमेजिंग। वी आर हैविंग ग्रेट टाइम ओवर हियर इन बैंगलोर एंड आई थिंक आई एम मीटिंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम। अपन पहली बार मिले, हम दो साल, मतलब आप भी जब पुणे में थे ना, तब मैं पुणे में था, बट वी नेवर मेट। हां, बट वी नेवर मेट। सो वी आर मीटिंग ओवर हियर एंड इट्स रियली अमेजिंग। मैंने देखा, बाकी अभी सभी लोग सर तो मिले, मेरे को मिले। हां, मैं इतने क्रिएटर पहली बार देख रहा हूं। तब ये लोग लाइक थे सर, आपके सक्सेस के पीछे एक रीजन बताओ। एक सक्सेस के पीछे, हाँ, मतलब सक्सेस के, मैं मैम का छोड़ के बताना, कहा किसने सर मैं सक्सेसफुल हूँ? अरे यार देखो, जहाँ WIP है, सक्सेस WIP, जहाँ पे पहुँचे हो वहाँ तक का बता दो। जहाँ पे पहुँचे हैं वहाँ तक का रीजन है सर, स्टूडेंट्स हैं सर, हम तो बस मेहनत करते हैं, आपसे सीखते हैं सर। ये थोड़ी मतलब मैं आपसे यूज करूँगा। हेलो दोस्तों, दिस इज जतिन निमला फ्रॉम दिस साइड किंशुक इंस्टीट्यूट इंदौर। सलाह ले रहे हैं, वो बहुत अमेजिंग है, जगह को फेमस कर रहे हैं अपने को ऐसा। चलो ग्लिम्स, every learner could not access their schools, colleges, coaching, and at that time when everyone was struggling, when their family members were falling sick, you guys stood. So abhi hum sab log khade hain, Arvind Dholi sir, Rahul sir, abhi hum log ne photo liya all the founders ke sath, par ek alag vibe hai, matlab batao itne creators, itne sare log, ek alag vibe create kar rahe hain, matlab I don't know ye cheez main samjha paunga ki nahi samjha paunga, बट एक माहौल है, मतलब यहाँ पे शूट करने में डर नहीं लग रहा है, ये व्लॉग बना रहा हूँ, मेरे को ऐसा नहीं लग रहा कौन क्या देखेगा, क्या सोचेगा। मेरे बहुत सारे आज तक व्लॉग बनाए, अपलोड इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मुझे बहुत अजीब लगता है, मतलब आज भी लगता है, नो डाउट इन दैट, बट दिस गिव्स अ डिफरेंट वाइब आई बिलीव। दिस इज ओके सर, थोड़ा कुछ चिल्ला लो यार, कुछ तो कर लो यार, ऐसा मत करो यार। लाइव विद किंशुक इंस्टीट्यूट, लाइव फ्रॉम इंदौर, इवेंट इज अबाउट टू स्टार्ट। मैं थोड़ा जल्दी आके एकदम फ्रंट रो पर बैठ गया हूँ। उससे होगा ये कि थोड़ा अब आए हैं तो थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, ज्ञान ले लेते हैं किस बारे में क्या है, थोड़ा सीख लेते हैं दैट हाउ द थिंग्स वर्क्स, यू नो वो इम्पोर्टेंट है। बाकी एक अच्छा सेशन हुआ रणवीर अलाबादिया जी के साथ, एक बहुत अच्छा सेशन हुआ राउंड सर्कल के अंदर, बहुत अच्छा हुआ। तन्मय भट्ट से हाथ पाँव हाथ मिला ही लिया है, गौरव तनेजा से भी मिला लिया है, बट फोटोज़ अभी इन सब के साथ बाद में होंगे प्रॉबेबली, आई डोंट नो। सो अभी एक छोटा सा था वाला सेशन, बट ठीक है क्योंकि सेल्फीज अभी लेने से मना किया हुआ है, बट लेट्स सी क्या होता है यार, मजे ले रहे ज़िंदगी के, देख रहे हैं, सीख रहे हैं, बट यार सो मच बैक एंड टीम इज़ रिक्वायर्ड एंड फीलिंग लिटिल जलस, बहुत बड़ा है यार इवेंट। सो ये पूरा बनाया हुआ है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे फोटोज वीडियोज चल रहे हैं। अरे यार हट गए क्या, आई थिंक आई मिस्ड इट, ये देखो
ये स्लीप पॉइंट वगैरह सब कुछ चल रहा है यहाँ पैसा, तो अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स अलग अलग शूट्स, ऐसे देखो ये भी यहाँ पे हैं और ऐसे चल रहे हैं, तो दैट्स हाउ द थिंग्स आर गोइंग जाते हैं। और ऐसे अधूरे सपनों को उड़ान देता है अनअकैडमी। अनअकैडमी के इसी जज्बे के साथ हमने K22 में 3 फर्स्ट रैंकर्स प्रोड्यूस किए। उसके लिए भी ट्रिक्स होती है, डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। उसी के लिए हम लोग एक नया चैनल लेके आए हैं, ब्रेकआउट इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर हम लोग फाइनेंस के साथ साथ बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। ब्रेकआउट इकोनॉमिक्स सब्सक्राइब कर लो गाइस। वैसे अभी डिनर चल रहा है, सब लोग डिनर कर रहे हैं, सो ऑलमोस्ट मीटिंग हो गई है। एक अनअकैडमी ने गिफ्ट दिया अनअकैडमी वन के नाम से ही, एंड अभी ये कन्फ्यूजन है कि मैं अभी होटल जाऊंगा कि बाद में जाऊंगा। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, कन्फ्यूजन इसलिए है कि सोच रहे हैं, जैसे सुहानी के साथ एक दो बाइट हुई है, अभी हम सोच रहे हैं एक दो बाइट और अगर हो सकती है, मतलब एक दो और किसी के साथ भी शूट हो सकता है तो हम रुकेंगे, अदरवाइज आई विल गो। तो वो रिस्क है, मतलब अभी रुकना है कि रुकना कुछ भी नहीं पता है, सब मोमाएँ लगने लग गया अभी ज़िंदगी में, बट लेट्स सी, अभी गिफ्ट कहीं रखना पड़ेगा फिर कुछ सोचेंगे। सो अभी बजी है ऑलमोस्ट 10:30, ताज और पीछे अपना एयरपोर्ट, सो वी आर गोइंग बैक टू दी होटल। अभी तक पता नहीं होटल कैसे जाएंगे, अभी थोड़ा बस का टेंशन चल रहा है, बट ठीक है, हम एयरपोर्ट का भी व्यू ले रहे हैं और यहाँ से पीछे हमारा ताज का भी व्यू ले रहे हैं, तो ठीक है यार, ये ज़िंदगी है, क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे। ये रहा ताज, ये राहुल सर ऐसे गम में चल रहे हैं, बोले मेरे को गाड़ी नहीं दी। अभी हम देख रहे हैं बस है क्या नहीं है, अभी हमें कुछ भी नहीं पता, वी डोंट नो एनीथिंग, सो वी आर जस्ट गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। अदरवाइज ओला लेके हम होटल चले जाएंगे, क्योंकि फ़ोन लगाओ पूछो वो थोड़ा सा हेक्टिक लग रहा है सबको, इससे अच्छा है बेटर टू गो विथ। नहीं नहीं, अरेंजमेंट है सर, अब तो खुश हो गए? अभी मैं खुश हो गया। वाह। बोले नहीं, चलो बस के अंदर, बहुत टाइम बाद बस में बैठ रहे हैं, इसे तो ऐसा लग रहा है, बट कोई बात नहीं। हाँ यार, मजे लेंगे बस के, क्या करेंगे। सो गाइस, फाइनली रीच्ड इट टू होटल, 11:30 बज गई है, पता नहीं पड़ा टाइम का, नींद आती नहीं जल्दी तो पता नहीं पड़ा, बट ठीक है। ओवरऑल एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मुझे ऐसा लगता है कि जो एक्सपीरियंस की थोड़ी सी कमी मुझे लगता है कि बहुत बार, क्योंकि मैं थोड़ा बाहर कहीं आता जाता नहीं हूँ, ज़्यादा कहीं ट्रैवल करता नहीं, तो मुझे थोड़ा सा कभी कभी लगता है, इसलिए मुझे थोड़ा मज़ा आया, मतलब मज़ा आया द सेंस ऑफ एक अच्छा एक्सपीरियंस की फीलिंग आई, बाकी तो ठीक है। अब देखते हैं बॉक्स में क्या है। अच्छी है मैग्नीट्यूड, ओहो, बॉटल ऑलरेडी वैसे एक है मेरे पास, एक और अनअकैडमी की बॉटल आ गई, चलो स्टील के दो मग, ठीक है, चाय वाय भी पीना है तो इसमें पीना है ऐसा। आई थिंक व्हाट इज दिस, चॉकलेट एंड स्वीट, कॉफी एंड चोको थ्रेड्स, ये आई थिंक चॉकलेट्स होनी चाहिए, यस दे आर चॉकलेट्स, यस दे आर चॉकलेट्स, तो कोई बात नहीं, बाकी कुछ भी कहो अनअकैडमी हमें, बाकी कुछ भी कहो अनअकैडमी जो है हमेशा, एक बार देख लेते, थैंक यू फॉर ग्रेसिंग अस विद आर प्रेजेंस एट अनअकैडमी वन एंड मेकिंग इट अ ह्यूज सक्सेस। चलो कुछ भी कहो, बाकी पैकिंग एज ऑलवेज हम अनअकैडमी की हमेशा बेस्ट होती है। चलो भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मेरे हिसाब से ज़्यादा देर नहीं लेंगे आप लोगों की, सो आई थिंक दैट्स व्हाट, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, बाय बाय, मिलते हैं, चलो बाय बाय। बुद्धा सरिता सा है कि बड़ा मज़ा आया, ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस है, मतलब कुछ नहीं तो सीखने को मिलता है, सीखने से ज़्यादा लोगों से मिलने को मिलता है, मतलब बहुत सारे इन्फ्लुएंस, सौरभ जोशी वगैरह सब लोग मैं फुटेज में नहीं ले पाया, बट ये सब भी थे क्योंकि ना तो ये स्टेज पे आए, बिकॉज आई थिंक ये व्लॉग बनाने के लिए होंगे, मुझे भी नहीं पता, सो ये सब जो लोग थे वो आए, मगर इन्होंने ज़्यादा इतना किया नहीं तो ना तो इनके साथ शूट वूट हुआ। इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस, मतलब मुझे जो ऐसा लगता है, मतलब जो मेरा पर्सनल व्यू है, वो ऐसे इवेंट अटेंड करना मतलब लालच के लिए नहीं होता, क्या चलो यार अपन क्या वीडियो शूट करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इट्स मोर ऑफ लर्निंग, आपको पता पड़ता है कि अच्छा भैया क्या चल रहा है मार्केट में, क्या नहीं चल रहा है, तो इट इज़ मोर अबाउट लर्निंग, लेस अबाउट यू नो ऑल दिस थिंग्स, तो ठीक है, ओवरऑल मज़ा आया, एंड
अभी थोड़ी मिक्स फीलिंग में बैठा हूँ, बहुत मिक्स फीलिंग में बैठा हूँ, मुझे पता नहीं कैसी है वो मिक्स फीलिंग, बट बहुत मिक्स फीलिंग है अभी, बट ओवरऑल अभी डिफरेंट जोन में हूँ मैं। तो बस आज के लिए इतना लगता है, आई थिंक थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं, चलो बाय बाय। बट एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मेरा हे गाइस मिलते सेट फ्रॉम किशोर इंदौर बहुत फेमस है, ठीक है, बहुत लोगों को पता है, चलो बाय बाय।